Welcome back to our channel, The Great Food Lover. As you know that The Great Food Lover is all about exploring and giving review to delicious and mouth-watering food from all over India. So viewers, आज हम आए हैं ठाणे के श्रीनगर एरिया में. यहाँ पे हम एक फूड फैक्ट्री को विजिट करने वाले हैं, जिसमें हर दिन मतलब पर डे 300 टू 400 केक्स बनाए जाते हैं और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ केक्स बनते हैं. तो चलो देखते हैं क्या है इस फूड फैक्ट्री में ऐसा मैजिक. केक फैक्ट्री क्यों बोला? तो गाइस आपको अंदर जाके पता चलेगा, तो चलो मेरे साथ. बेकर्स हाउस फर्स्ट में 2015 को हमने बेकर्स हाउस की पहले शुरुआत की. जब हमने शुरुआत की उसके पहले हम टीचर्स थे और टीचिंग प्रोफेशन में होते हुए मेरी वाइफ जो यहाँ पे आज है मिसेस असलेशा, वो केक बनाती थी घर पे. तो जैसे उन्होंने उनकी उनको घर पे केक बनाना बहुत अच्छा लगता था तो घर पे शुरुआत की. शुरुआत में रिश्तेदारों को से ऑर्डर आते गए, जैसे जैसे ऑर्डर आते गए वैसे वैसे हम लोग ने केक बनाना शुरू किया घर पे और धीरे धीरे वो बिजनेस में टर्न आउट होते गया. तो हमने बाद में सोचा कि चलो एक प्रोफेशनल सेटअप डालते हैं. तो उसके बारे में हमने सोचने के बाद एक कंसल्टेंट हायर किया, मिस्टर नीलेश कारखानिस. वो कंसल्टेंट से हमने समझ लिया पूरा बिजनेस क्या होता है, कैसे होता है और किस तरह से हमें करना चाहिए. उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, उनके मार्गदर्शन से हमने यहाँ पे शुरुआत की. और एक मई 2015 से हमने हमारा पहला शॉप ओपन किया ठाणे में. अभी हमारे टोटल 6 शॉप है जहां पे हम लोग केक सप्लाई करते हैं और मुलुंड, ठाणे और भांडुप एरिया में हमारे आउटलेट सारे स्प्रेड हो चुके हैं. ये था हमारा बेकर्स हाउस में. अभी इसकी शुरुआत जो होम बेकर से हुई थी उसके बारे में मेरी वाइफ असलेशा आपको बताएगी. नमस्कार, मैं असलेशा. ये बेकर्स हाउस हम लोगों ने स्टार्ट किया तो पहले मैं घर पे केक बनाती थी. वो सबको अच्छा लगा. हम लोग पहले टीचर थे, सिखाते थे क्लास में, हमारा खुद का क्लास था और हम लोगों ने जैसे ही स्टार्ट किया ये केक बनाने के लिए, मैं घर पे करती थी और इधर क्लास में आके बच्चों को देती थी, टीचर्स को देती थी, तो सबको इतना अच्छा लगता था. और मेरे बिल्डिंग में भी जो मेरे फ्रेंड्स थे वो भी बहुत अच्छे से रिस्पांस देते थे और बहुत ऑर्डर मिलने लग गया. तो इतना ऑर्डर आने के बाद जब घर पे अकेली मैं करती रहती थी तो बहुत तकलीफ होती थी. तो इसके लिए मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि क्यों ना हम प्रोफेशनल सेटअप डालते हैं. तो इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि
करते हैं, चलो करके देखते हैं क्या होता है। रिस्पॉन्स तो अच्छा आता था, इसके लिए हम लोगों ने आगे से ऐसे स्टार्ट किया। और जब करती थी तो थोड़ा बहुत ऐसा कुछ कुछ बातें नहीं समझ में आती थी, तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि एक बिंबा नायक करके दादर में टीचर थी, तो वो उनका नाम हम लोगों को मिला, तो ऐसा सोचा कि उनके पास जाता सीखती हूँ। तो उधर जाके मैं सीखी, वो बहुत अच्छे से सिखाती थी, मतलब फ्लावर तो उन्होंने इतना डिटेलिंग दिया और इतना प्रैक्टिस करके लिया, तो मुझे वो मेरे मार्गदर्शक है, बहुत मैं मानती हूँ उनको। तो जैसे ही उन्होंने सिखाया, मेरा कॉन्फिडेंट लेवल एकदम बढ़ गया। स्टार्ट किया तो नीचे सब सेटअप डाल दिया, और सर मेरे हस्बैंड जो मैं सर ही बोलती हूँ उनको, तो वो अच्छे से सब संभालते हैं, डिटेलिंग का काम, ऊपर का सब केक का डिटेलिंग वो मैं संभालती हूँ। और अभी और भी रिस्पॉन्स बढ़ने लग गया, बहुत आनंद मिलता है, खुशी होती है कि इतने अच्छे से हम लोग ये फील्ड में नहीं थे हम लोग, फिर भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। और जैसे कि एंगेजमेंट केक है, वेडिंग केक है, थीम केक है, या फिर कोई भी ऐसा जब बच्चे आते थे या फिर लेडीज आती थी हमें ऐसा चाहिए, या इंटरनेट पे फोटो दिखाती थी कि ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, इसको ये अच्छा लगता है, तो केक के ऊपर एक लड़की चाहिए, बुक्स चाहिए, वो CA करती है, तो ऐसे बहुत सारी वैरायटी का केक आता था। और बहुत अच्छा लग गया कि ये सब हम लोगों ने उनका जो इच्छा आकांक्षा था वो पूरा कर दिया, और बहुत अच्छा लगता है, हैप्पीली हम लोग ये सब करते हैं, आनंद मिलता है। थोड़ा तकलीफ होती है कभी कभी, बहुत घंटे इसमें निकल जाते हैं, फिर भी इंटरेस्ट लेके करते हैं ना, तो कोई भी बात ऐसी मुसीबत जैसी नहीं लगती है, वो अपने आप वो केक में सब उतर जाता है, सब अच्छा लगता है। और मेरी बेटी भी अभी इस पे है, क्योंकि हम लोगों ने पहले कभी भी ऐसा एडवर्टाइज नहीं किया था, तो हम लोगों का केक जिनके पास जाता था तो वो अच्छे से उन दूसरों को बताते थे, वो तीसरों को बताते थे, ऐसा हम लोगों का चालू था। लेकिन मेरी बेटी अभी लॉकडाउन के बाद में इसमें आ गई, और उसने फोटो शूट करने के लिए तैयारी की, और उसने सब फोटो शूट किया, तो बाद में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया, सब स्टेटस पे अपलोड करने लग गए, फेसबुक पे अपलोड करने लग गए, तो जैसे कि बम्बई में नहीं, बाकी का जो सिटीज है उस वो भी हम लोगों को अच्छे से रिस्पॉन्स आने लग गया।
मॉम के अंदर इतना पैशन है कि वो रोज सुबह आती है और डायरेक्टली शाम को घर पे आती है. बीच में खाना बनाने का टाइम नहीं है, कॉफी बनाने का टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ पे आके डिटेलिंग करने का. एंड आई यूज टू गेट वेरी एंग्री पहले कि यार इतना क्या है यार, नहीं इतना नहीं चाहिए, टाइम पे आया करो घर पे. बट नहीं, अभी देखा मतलब मैं जैसे नीचे आती हूँ तभी मुझे समझ में आता है यार नहीं, इफ हमको आपको इतना अच्छा केक्स देना है तो डिटेलिंग एंड वेरी माइन्यूट थिंग्स रियली मैटर. इसके लिए मुझे मम्मी का एक्चुअली पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर अभी मुझे मैं उससे इंस्पायर होती हूँ कि यू नो यू शुड बी रियली हार्ड वर्किंग फॉर वॉट यू हैव टू प्रोड्यूस. मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का ये फूड फैक्ट्री का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसे ही टेस्टी और थीम केक्स आपको चाहिए तो एक बार जरूर कांटेक्ट कीजिए बेकर्स हाउस को, उसके डिटेल्स आपके स्क्रीन के ऊपर है. तो गाइस आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जस्ट गिव अस अ ह्यूज थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. और हाँ, कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन और आपके एरिया के फेमस रेस्टोरेंट के बारे में बताना ना भूलिएगा. तो गाइस द ग्रेट फूड लवर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को पंच करो. तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज पूनम सरोदे साइनिंग ऑफ, बाय. अरे रुको रुको रुको, वीडियो अभी तक खत्म नहीं हुआ है. अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करो, और ये वीडियो भी मैं आपको रेकमेंड करती हूँ तो ये भी देख लो. अरे रुको, यहाँ क्लिक करने से पहले यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब तो कर लो.